अस्सलाम वालेकुम जी। ये पेशेंट है आसिफ साहब, 30 साल उम्र है, वेरी यंग, शादी हुई है। कितने बच्चे? 3 बच्चे। तो मतलब कहने का ये है कि बड़ा यंग बंदा, 30 साल उम्र है, तो उसको क्या परेशानी हो सकती है? मगर कितने साल से मैदे का मसला? तकरीबन 4 साल से। 4 साल से मैदे का मरीज? और डॉक्टर के पास, डॉक्टर खान के पास भी गया। अच्छा, वो एक हमारे बड़े टिकटॉकर मशहूर हकीम है, डॉक्टर हकीम शिजात नाम है, डॉक्टर इरफान साहब के पास भी गया हूँ मैदे की वजह से। तो मैदे का इनका मसला जलन, तबीयत गैस, भारीपन, सूजन खाने के बाद ये हो जाता था। मेरे पास आए थे 20 मई, यानी लास्ट वीक, हफ्ता पहले आए थे। तो साथ ये नहीं था, ये होते हैं साइकोसाइकेटिक इशू हो जाते हैं, और साथ में स्टोमिक भी डिस्टर्ब हो जाता, फिर बंदा एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन की तरफ चला जाता। अब फोबिया इनको हो गया हुआ था, फियर इनको था कि मैं रात को सोऊंगा ना तो मुझे मेरा दिल बंद ना हो जाए, या दिल का मसला ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं। और खौफ से रहना, बेचैनी से रहना। अब वो है नहीं, इंशाल्लाह अभी काफ़ी बेहतर। अभी सिर्फ बताने का मकसद कि एक वीक हुआ मेडिसन को लेते हुए, पता नहीं इन्होंने मेडिसन पूरे परहेज से ली है कि नहीं ली, मगर यह है कि उनका वो जो एंग्जाइटी, फियर, फोबिया था वो नहीं रहा, वो चला गया। दूसरे नंबर पे मैदा जो है ना, कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं मैदे को। अब खाना पीना बोझ तो नहीं करता? तजाबियत की क्या बात? सूजन, सूजन लगती है, ठीक। स्टोमिक के काफ़ी इशू बेहतर हैं। अब एक थोड़ा मुझे बता रहे थे कंधों का, ठीक। और विद इन वीक इन्होंने वेट भी गेन किया, ऑलमोस्ट 2.5 kg वेट भी बढ़ा। जब आपका ट्रीटमेंट ठीक होता है तो वेट लाजमी थोड़ा सा गेन होता है। अच्छा ये बताएं कि आपने इतना अच्छा दवाई खाई है, तो हकीमों की भी खाई होगी, एलोपैथिक भी खाई होगी, कौन सी दवाई समझते हैं कि फास्ट एक्टिंग है, ज़्यादा तेज़ी से कौन सा काम करती है? मैं तकरीबन को 4 साल से दवाई खाई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये आपके पास से हफ्ता को दवाई खाई है तो, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ा, इससे फ़र्क महसूस हुआ, ठीक। तो ये एक जो फिनोमेना बना हुआ ना, होम्योपैथिक बड़ी स्लो असर करती है, आहिस्ता आहिस्ता असर करती है, हौली हौली आराम आंदा। हाँ आता है, जो मसलन केस बिगड़े होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जिनमें फौरी आराम भी आता, मतलब सारा ना आए, मगर मरीज को ये तो लगे कि मैं बेहतर हो जाऊँगा, मैंने डॉक्टर को जाना चाहिए था, कुछ फ़र्क पाया, आप इतना तो करें, ठीक है, तो मरीज़ बेहतर हो जाता। मरीज़ को खौफ तब होता है कि जब वो बार बार डॉक्टर के पास जाए, अपना मसला बताए, उसका मसला भी हल ना हो, और डॉक्टर आके से फिर दवाई लिख दे, फिर मरीज फोबिया का शिकार होता है कि पता नहीं मैंने क्या मसला, परेशान रहता है। डॉक्टर को जाना बस 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार फीस दी, लेकिन गुजराले में चौधरी हॉस्पिटल में हाले वो 4 हज़ार रुपया फीस दी, तो उतों भी दवाई लैके आए, लेकिन कोई फर्क नहीं सी पैंता, बड़ा परेशान रहना। इन रिपोर्टा कराइया ने मैं ना, जिन्नी डॉक्टर साहब थोड़ी इतने दुकान दवाइया नहीं होनी, जिन्नी की मैं रिपोर्टा करा, इस तरह बंदा वहम और उसका डिप्रेशन का मरीज होता है, क्या मैं रिपोर्ट भी करा रहा हूँ, दवाई भी खा रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ, आराम नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यह है कि अगर आप पैसे लेते हैं 24 घंटे मैं गुस्सा रहा, हाँ वो बेहतर हुआ, काफी बेहतर है, ठीक है। तो ये है एक जो साइकोलॉजिकल इश्यूज, जब हमारे स्टोमिक के इश्यूज मिल जाते हैं तो फिर प्रॉब्लमेटिक होते हैं बड़े। तो आप क्रोनिक केसेस को बड़ा अच्छे तरीके से आप फास्टली, एब्रप्टली और सिक्योरली डील कर सकते हैं होम्योपैथिक से। तो इनकी जो मेडिकेशन मजीद चलाते हैं, कुछ मजीद मेडिकेशन की ज़रूरत है ना, बाकी ये मैंने इसलिए अर्ली वीडियो बनाई कि इसको अर्ली आराम आ गया, क्रोनिक पेशेंट था, इस वजह से मैंने कहा कि फ़ौरन बताना चाहिए कि होम्योपैथिक में भी फ़ौरन आराम आता है उन इश्यूज़ का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।